केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बस्सी में भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीना के लिए मांगे वोट। मोदी राज में भारत विश्व सिरमौर गडकरी। जमवारामगढ़ जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार को लेकर राजस्थान दौरे पर है। इसी क्रम में गडकरी गुरुवार को बस्सी पहुंचे। बस्सी विधानसभा क्षेत्र के तुंगा रोड पर भारतीय जनता पार्टी प्रधान कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का राजस्थानी परंपरा के साथ 51 किलो की माला एवं पुष्प वर्षा के साथ भगवा दुपट्टा व पहनाकर साफा पहनाकर नैनीनाथ महादेव की तस्वीर देखकर स्वागत किया। इस मौके पर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मीना, भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीना, दौसा सांसद जसकौर मीना व आए हुए सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर दुपट्टा उड़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मीना के द्वारा दौसा सांसद जसकौर मीना का भी दुपट्टा व पहनाकर शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीना के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है। गडकरी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। गडकरी ने कहा कि आज मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की महाशक्तियों में शुमार है। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है और भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती है। पहले की कांग्रेस सरकारों के पास सेना के लिए पैसे नहीं होते थे और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री कहा करते थे कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं। आज मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना हाईटेक है जो घर में घुसकर मारती है और इनका जवाब पत्थर से देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में पाकिस्तान मालामाल था और मोदी राज में पाकिस्तान कंगाल है। गडकरी ने कहा कि इस समय चारों ओर भाजपा की लहर है। ये समय धर्मयुग का है। ऐसा शासक जनता को बार बार नहीं मिलता। पहले की कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि केंद्र से एक रूपा भेजते हैं तो जनता तक 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी राज में केंद्र से भेजा गया पूरा पैसा सीधे गरीब के खाते में पहुंचता है। पहले की कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों को भारत का ताजमहल एवं कुतुब मीनार दिखाते थे। आज मोदी विदेशी मेहमानों को राम मंदिर, भारत का गौरव गंगा किनारे, संध्या आरती एवं काशी विश्वनाथ मंदिर दिखाते हैं, जिन्हें देखकर विदेशी मेहमान अभिभूत होते हैं और भारतीय कला और सनातन धर्म एवं संस्कृति के गुणगान करते हैं। और कम्युनिकेशन, टेलीफोन की व्यवस्था चाहिए।